पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। बस का वेट कर रहे हो? वोटर गाइड आपका किसको वोट देने का सोचा? आप इतना क्या कर सोचो सोचो, सी पे अपना फ्यूचर डिपेंड करता है। हाँ जी, चलो मैं चलती हूँ। जिसे सोचना समान गुजारे सारे दिन है, जेड़ा नहीं बंदा आ गया खरीद लै, ये तो पता ही है की करना। ओ प्रधान जी चिंता ना करो, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤਰੇ ਅਜਮਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਪੇਟੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ। ਛੋਟੂ ਪੇਟੀ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੇਟੀ ਤਾਂ ਚਲੀਏ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਟੱਕਰੇ। ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਖੱਟੀ ਟੋਫੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਟੀਵੀ ਪੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੱਤੇਵਾਦੀ ਬਣਤੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਐਸੇ ਬਦਲਾਵ ਲਾਏਂਗੇ? क्या ये है फ्री एंड फेयर वोटिंग, जहाँ फ्रीली ऐसे नशे बिक रहे हैं और फ्रीली वोट्स बिक रहे हैं? इलेक्शन का मजाक बना दिया तुम लोगों ने। वेनू कादी मची भैया, इधर नेता जी को लेके चल दे। और तो तुम छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? और फिर पेटियां स्वार्थियां से ले, वो तो हो गया काम। चंगा की तरह बाकी ऑपोजिशन को यहाँ मैं देख लूंगी। चंगा तो वो वाला काम ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਿਆਣ ਮੱਚ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ ਸਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੂਪ ਦੀ ਮੰਮੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲ, ਕੌਣ ਸਾ ਵਰਕ ਲੈ ਗਈ ਰੂਪ? ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਬੈਠੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਲ ਹੋ ਖੰਡ ਰੱਖੋ ਰੂਪ ਆ ਜਾ ਰੂਪ ਰੂਪ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਤੀ ਠੀਕ ਆ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
रूपाला अपना वोटर आईडी कार्ड सारी दिहाड़ी दोनों फोन च लगे रहते हैं अलग ना वोटर आईडी कार्ड अलग वोटा वोटर आईडी कार्ड चलिए फिर चलो आज ना ही फिरती किसे वो नहीं पालवाने अरे यार तूने किसको वोट डाला है मैंने तो एबीसीडी को डाली तूने किसको डाली है एक्स वाई जेड को क्यों एक्स वाई जेड को क्यों एबीसीडी सबसे सही है तू बता मेरा भी शुरू से था एबीसी को डाला ये देख अरे यार एक्स वाई जेड का तो सबको ही पता है कि उनका उम्मीदवार कितना बढ़िया है यार तुझे कुछ नहीं पता एबीसीडी सबसे सही है वो हमारे घर भी आते रहते हैं हमारा चाय पानी कॉफी सब इकट्ठा चलता है वो सबसे सही है ले केएलएम तो सब तो वधिया तुझे पता नहीं की थी चुछ इसका अलग ही चलता है पता नहीं की बनूगा इन्हां दा की करदे रहंदे अजकल दे जवाक अंकल अंकल वोट बनता नहीं होगी खर्चा काका साल है चल रही हैगी वोटिंग नहीं नहीं अंकल जी मेरी पहली वोट ही मैं सोचा रहना जावा ओ वाह वे शेरा अंकल अंकल एक गल पुछा हां जी हां जी अजे तुम दस दे मैं वोट किनू पावा अच्छा तेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं खड़ा होया वोटिंग च नहीं नहीं अंकल जी बस ते किसी कोलो पैसे ले हुण नहीं नहीं अंकल जी तो फिर वोट काका ओनू पाई कि जेड़ा हकदार होवे ठीक है अंकल जी धन्यवाद हकदार नू पाई है तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा लोकतंत्र विच फ्री एंड फेयर इलेक्शनां राहीं सरकार नूं चुनण दी ताकत एक बुनियादी अधिकार ही नहीं बल्कि साडी नैतिक जिम्मेवारी भी है वोटिंग वेले इह जरूरी है कि लालच या दबाव विच आके परम भुलेखे विच ना पिया जावे क्योंकि इस नाल लोकतंत्र प्रक्रिया विगड़दी है असीं खुशकिस्मत हाँ कि आपां इहो जिहे समाज विच रहिंदे हां जिथे असीं अपनी सरकार आप चुन सकदे हां इह उह मान है जिस तों अजे भी दुनिया दे कई हिस्से भी हुंदे हन ईमानदार वोटर दे रोल नूं निभा के ना केवल असीं लोकतंत्र दीआं कदरां कीमतां नूं सुरक्षित करदे हां बल्कि अपने लई ते आउण वाली पीढ़ी लई इक खुशहाल भविख दी सिरजना भी करदे हां लेट्स रिमाइंड द इंपोर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर वोटिंग एंड से यस टू रिस्पोंसिबल इनफॉर्म्ड एंड एथिकल वोटिंग प्रैक्टिसेस